आपका क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 13 एंड 2x³ माइनस 5x+a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हमको निकालनी है ए। अब दो पॉलिनोमियल उसने दे रखे हैं और कहा सेम रिमाइंडर, दैट मीन्स आपके दोनों पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे साइड बाय साइड लिखेंगे। कैसे? फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 13 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इज टू एक्स क्यूब माइनस 5x+a। दो पॉलिनोमियल है और डिवाइड किससे करना है आपको एक्स माइनस 2, दैट मीन्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये दोनों एफ एक्स हो गए एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब जी एक्स को आप क्या करोगे जीरो, तो आपने कर दिया जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 2 को राइट साइड में लेके जाओ तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 2 की वैल्यू हम ये दोनों एक्स में डालेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। लेकिन इससे पहले इसने कहा कि आपका रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज सेम, तो दिस रिमाइंडर इज सेम। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा वो हम अब लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ए एक्स क्यूब, दैट मीन्स ए एक्स क्यूब इज टू क्यूब ठीक है, प्लस 3x² इज 2² माइनस 13, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 इंटू एक्स क्यूब इज 2 क्यूब माइनस 5x इज 2 प्लस a। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू a इज 8a ठीक है, प्लस 2² इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 5 इंटू 2 इज 10 प्लस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 8a प्लस 12 माइनस 13 इज माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज 6 प्लस a। ठीक है, a को इस साइड में लेकर आ जाओ और इस कांस्टेंट को इस साइड में लेकर जाओ तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 8a माइनस a, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 1। ठीक है, 8a माइनस a इज 7a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज 7, तो a हमारा क्या हो गया a इज इक्वल टू 7/7, तो कट करोगे तो क्या आएगा आपका 1, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। ठीक है,